नमस्कार फ्रेंड, मैं ज्योत्सना। काफी दिन से मैंने कई वीडियोस डाली अपने चैनल पे, तो आप सभी लोगों ने मुझे कहा कि मुझे कई कमेंट्स आए, मेरे कई फ्रेंड्स के कमेंट आए कि कुछ लंदन के बारे में डालो, कुछ यूके के बारे में डालो, कुछ वहां गई हो तो वहां के बारे में दिखाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बाहर जा नहीं रही थी, बिकॉज कोविड था, लॉकडाउन था। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार वैक्सीन लग जाए, उसके बाद में फिर हम थोड़ा बहुत घूमेंगे तो फिर थोड़ा सेफ रहेगा। बिकॉज इंडिया की कंडीशन देख के हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि इस तरीके से इंडिया में हुआ, एकदम से सब लोग बाहर जाने लगे, आने लगे। तो वही सब यहाँ पे भी लॉकडाउन जैसे ही ओपन हुआ तो सब लोग बस इधर उधर घूमना फिरना वैकेशन पे, हॉलीडेज पे। बट मुझे थोड़ा डर लगता है और थोड़ा मेरे हस्बैंड भी डरते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि आफ्टर वैक्सीनेशन हम जाए तो बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं थोड़ा सा कि यूके में किस तरीके से वैक्सीनेशन की जाती है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में पूरा मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी क्या है, यहाँ पे सेकेंड फेज में वैक्सीनेशन चल रहा है। तो सेकेंड फेज में मीन्स जो 50 से अपर वाली एज के थे वो फर्स्ट फेज में आए थे, और 50 से डाउन वाली जो एज में है, लोअर है, वो सब सेकेंड फेज में है, सेकेंड स्टेज में। तो अभी हम सेकेंड स्टेज में आते हैं। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो भी है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस करके है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, तो ये पूरा देखती है कि किस तरीके से क्या है। और हम सभी के डेटा जो होते हैं वो उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो हमें कॉल करते हैं। अभी यदि किसी को कोई बीमारी है या कुछ है तो वो उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। बाकी अभी मैं आपको लेके चलूंगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने किस तरीके से क्या किया और कितना मुझे टाइम लगा, कैसे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, उसके बाद में फिर हम चलते हैं। से मेरे पास मैसेज आया था तो मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करी तो आपको दिखाया। एक मैसेज आया था, ये एक कॉमन मैसेज था कि ये सबके पास आ जाएगा, जो भी अबोव 30 जो भी लोग हैं उन सबके लिए। लेकिन मैंने इस पर नहीं कराया, मेरे पास एक पर्सनल मैसेज आया, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये पर्सनल मैसेज आया था, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैंने इसी पे बुक कराया। इसमें ये दिया हुआ है कि कौन सी वैक्सीन आपको लगेगी, कौन सी डोज है आपकी, जैसे मेरे फाइजर लग रही है, फर्स्ट डोज है, और कहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो इसमें एक लिंक है, उस पे आप क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं। तो यही मैंने किया, इसमें एक लिंक था उस पे मैंने बुक किया। अभी मैं अपॉइंटमेंट पहले बुक कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार दिखाना चाह रही हूँ। इसमें हैरो हेल्थ कम्युनिटी सर्विस लिखा हुआ है नीचे, तो हैरो हेल्थ कम्युनिटी सर्विस जो हम हैरो बोरो में रहते हैं, लंदन में हैरो एक बोरो है उसमें हम रहते हैं, तो वो काउंसिल ही उसको देखती है। जब मैंने लिंक पे क्लिक किया तो कंटिन्यू बुकिंग का ऑप्शन आया, इसमें 4 सेंटर्स दिए थे, तो हमने ब्रायन हॉल क्लिक किया। उसके बाद हमने कंटिन्यू बुकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़े। वो मेरी डेट ऑफ बर्थ उसने मांगी, मैंने उसमें डेट ऑफ बर्थ डाली। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया, देन मुझे इसमें मेरे जीपी का नेम और लिखना था। एक्चुअली मेरा पहले से बुक है इसलिए ऐसा स्लॉट दिखा रहा है, अदरवाइज में उसमें जीपी का नेम हमको लिखना था। जीपी का मीन्स जनरल प्रैक्टिस, जहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड है, हम वहाँ दिखाते हैं, उसका नाम देना था। और डायरेक्टली हमको टाइम स्लॉट बुक करना था, टाइम स्लॉट बुक करने के बाद में हमारा ये कम्प्लीट हो गया। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया, एक्चुअली मैंने 28 मई को बुक करा दिया था, उस दिन फ्राइडे था, फिर बाद में मुझे किसी रीजन से याद आया कि मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने उसको चेंज करा के सैटरडे किया। तो चेंज कराने के लिए भी मैंने पहले उसको कैंसिल करवाया, तो कैंसिल करने के लिए भी वही प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद में सबसे पहले बस कैंसिलेशन का मैसेज आ गया कि तुम्हारा कैंसिल हो गया है। उसके तुरंत विद इन अ फ्यू सेकंड मेरा नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट था वो 29 मई का था, तो वो मेरा इसमें आ गया और मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो गया। तो ये बहुत इजी प्रोसीजर था जिसकी अकॉर्डिंग मैं कर सकती हूँ। इसमें पूरा एड्रेस दिया गया है, टाइम दिया हुआ है, कितने बजे आपको जाना है। तो इस तरीके से मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो बुक हो गया। अब जो नेक्स्ट डोज है वो विद इन 11 वीक में मुझे लगेगी, तो उसके बारे में उन्होंने बता दिया था। इसके अलावा मेरे पास एक लेटर आया था NHS से, ये पर्सनली सबके पास आया है, NHS एक लेटर आया है नेशनल हेल्थ सर्विस से, जो पर्टिकुलरली हर पर्सन को दिया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस लेटर के अंदर क्या क्या मेरे पास आया है। तो ये एक लेटर है, इसमें सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट कैसे बुक कराएं उससे रिलेटेड एक पेज था, तो उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा होता, फ़ोन पे, ऑनलाइन, जैसे भी हम अपना बुक करा सकते हैं अपॉइंटमेंट, वो उसके अंदर लिखा हुआ है, पूरा डिटेल इसके अंदर दिया हुआ है। मेरा NHS नंबर है, मेरा एड्रेस है, मेरा नेम है, और इसमें यही सब लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन पे
अभी यदि आप कोई आपके पास कोई ऑनलाइन मैसेज नहीं आया, उसके बाद आप यदि करना चाहते हैं तो इसमें साइट का नाम दिया गया है, उस साइट पे आप क्लिक करके भी अपना बुक करा सकते हैं अपॉइंटमेंट। इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, और सबसे अच्छी चीज़ है कि इंडिया की इसमें गुजराती लैंग्वेज भी थी, और हमारी जो हिंदी है वो तो थी, तो हिंदी देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पंजाबी, नेपाली, सारी लैंग्वेज इसके अंदर दी गई है, जितनी भी तरीके के मेजोरिटी लोग यहाँ पे रहते हैं उनके बारे में दिया, तो मुझे अच्छा लगा। इसके साथ एक बुकलेट आई, आप कभी भी जीपी में रजिस्टर कराएंगे किसी भी चीज़ के लिए तो आपको वो एक पूरा गाइड प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको सब कुछ बताएंगे। ये फेज़ टू के बारे में है, फेज़ टू का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बिलो 50 हैं वो फेज़ टू में आते हैं, तो उनके बारे में चल रहा है ये है। तो इसमें लिख रखा है व्हाट इज़ COVID-19, उसके बारे में कौन कौन सी वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, कौन कौन लोग जो हैं वो COVID-19 के रिस्क के अंदर आते हैं, कौन कौन वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं इस टाइम सेकेंड फेज में, तो इसमें दिया है 40, 49, 30, 39, 18 ईयर्स एंड अबोव। इसके अलावा इसमें नीचे एक लिंक दिया गया है, तो उस पे आप क्लिक करके और इसके बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा है कि किस किस को वैक्सीन नहीं दे सकते, ये इसमें पूरा दे रखा है, पूरा जहां आराम से इसको पढ़े, और वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे ये भी इसमें दे रखे हैं, तो ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये ले रखा है कि ये सब होता ही है, और यदि आपके सिम्टम रहते हैं तो आपको NHS पे 111 नंबर पे कॉल करनी है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे सिम्टम भी दिए गए हैं जो 4 घंटे तक यदि आपको रहते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, तो फिर आपको तुरंत मेडिकल से मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ एक पर्टिकुलर हैं वो उसमें दिए हुए हैं, तो उनको देख के हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, तो ऐसा रहता है, तो आप तुरंत दीज आर इमरजेंसी कंडीशंस, और आपको ये दिखाना ही पड़ेगा। आगे नेक्स्ट पेज पे इसमें ये बताया गया है कि जब आपको कोविड वैक्सीन लग जाती है तो उसके बाद भी आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है, मास्क पहनना ही है, अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश करने हैं, और यहाँ पे क्या है, विंडोज़ पैक होती हैं और तो अपनी विंडोज़ ओपन रखें ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। बाकी इसमें ये भी बताया गया है कि वापस से मुझे वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, और यदि ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। इसमें एक कार्ड दिया हुआ है एक कॉर्नर में, तो ये कार्ड हमें वैक्सीन के बाद में मिला है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये कार्ड जो है इसको संभाल के रखना है, सेकेंड डोज में हमारे ये काम आएगा। और फिर उसमें ये भी बताया गया कि भाई यदि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा अपॉइंटमेंट अभी है लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी इसमें जो ये दिया गया है QR कोड, इसके थ्रू हम वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल इसको स्कैन करके देख सकते हैं, या फिर हम येलो कार्ड ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद हम जो वैक्सीन है उसकी पूरी डिटेल, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो सब हम डाल सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में ये जो बुकलेट हमें जो लीफलेट्स मिली हैं, इनको यदि आपको और मंगवाना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करके आप और मंगवा सकते हो। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग हमें प्रोवाइड करवाते हैं वैक्सीन के लिए, जो NHS और NHS जो है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के थ्रू चलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमने अपॉइंटमेंट किया, क्या क्या गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। तो अभी जस्ट मॉर्निंग ही हुई है, मेरा 9:20 पे अपॉइंटमेंट है, तो मैं अब जा रही हूँ, मैं तैयार होती हूँ, फिर हम जाते हैं। ठीक है, ओके बाय, तो फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं ब्रायन हॉल के लिए, तो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम लोग वॉक करते हुए आए, अभी हम जा रहे हैं सामने। ब्रायन हॉल एरो उधर है। ये ब्रायन हॉल है और अभी हम जा रहे हैं, हमारा टाइम है 9:20 का, थोड़ा हम बिफोर टाइम है तो इसलिए हम थोड़ा रुक गए हैं। ये एरिया है एंड
तो फ्रेंड बस सामने ही है हमारा वैक्सीनेशन सेंटर, ये पार्किंग है। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मुझे वैक्सीन लग जाए, तो अब बस थोड़ी ही देर में वैक्सीन लगने वाली है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ पिक्चर ले सकूं। तो बस हम पहुंचने वाले हैं, हम किसी और का पिक्चर भी नहीं ले सकते, खुद की ही हम पिक्चर ले सकते हैं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं तो मैं जाहिर है थोड़ा सा उनकी भी ले सकती हूँ और खुद की ले सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं पिक्चर नहीं ले पाऊंगी किसी की। तो अभी अंदर ये हम पहुंच गए हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर ब्रायन हॉल है और बाय अपॉइंटमेंट ही आप यहाँ पे आ सकते हो। तो हम पहुंच गए हैं, ये यहाँ पे NHS के वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट मैसेज के लिए पूछ रही है कि आपके पास अपॉइंटमेंट का टेक्स्ट मैसेज आया है क्या। उसके बाद फिर ये हमें अलाउ करेगी कि आप अंदर जा सकते हो। अभी हमें एक फॉर्म देगी, फॉर्म देने के बाद ही फिर हम अंदर जा सकते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड से बात करने वाली है, तो उसके बाद ही हम अंदर जा। अभी ये मुझे फॉर्म मिला है तो मैंने ये फिल कर दिया है, ये फिल करके मुझे सबमिट कराना है। इसमें मेरी जनरल डिटेल्स हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है और जो मेरे कौन सी आइडेंटिटी है, ब्रिटिश, इंडियन, एशियन क्या है, तो वो सब मुझे फिल करना था। कुछ मेरे कोई पहले वैक्सीनेशन लगी है या नहीं लगा, कोई और मेरे को कोई इशू तो नहीं है हेल्थ इशू, तो वो सब इसके अंदर फिल करने के बाद हमने इसको सबमिट कराया, उसके बाद ही फिर हम अंदर गए। अब मेरे हस्बैंड को वैक्सीन लग रही है, तो उससे पहले इन्होंने हमें एक जगह और चेक किया गया, तो उन्हें फिर से हमने टेक्स्ट वगैरह बताया, हमारा नंबर बताया, उन्होंने हमें एक कार्ड दिया। उस कार्ड के बाद हम यहाँ पे आगे आए। आगे आने के बाद में ये जो हेल्थ केयर वर्कर थी उसके पास हमें बैठाया, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग थी, कम्प्लीट सैनिटाइजेशन था। और फिर पहले मेरे हस्बैंड को वैक्सीन लगी, उसके बाद में फिर मेरा नंबर आया, तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे वैक्सीन लग रही है। बहुत अच्छा था, फाइजर का फर्स्ट डोज मुझे लगा, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग थी, प्रॉपर क्लीनिंग थी। और यहाँ पे क्या था, ये देखो मैं बहुत खुश हूँ और सब लोग इतना दूर दूर बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि जैसे ही आप अपनी चेयर छोड़ोगे आपकी चेयर सैनिटाइज होगी और उसके बाद में ही फिर कोई दूसरा है उस चीज़ पे बैठ सकता है। इसके बाद में फिर हमको 15 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठना था कि हमें कुछ कोई इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही हम घर जा सकते। तो उसमें भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का, पूरा क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखा गया। ये हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कब 15 मिनट होंगे उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो हम दोनों वेट कर रहे थे यहाँ पे, और ये लास्ट में बस हम निकल रहे हैं। और ये थैंक यू फॉर कमिंग टुडे NHS का बोर्ड लगा था, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा था। बस अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारी सेकेंड डोज भी लग जाए, और यही मैं करती सोचती हूँ कि सबको फटाफट वैक्सीनेशन लग जाए ताकि लाइफ फिर से नॉर्मल हो सके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, और मैं जल्दी ही कुछ नई UK से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। फिर मिलते हैं हम, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, बाय।